नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारतवर्ष खबर। मैं हूं आपके साथ अंजलि आर्या। लखीमपुर खीरी बचपन के दोस्त ने की अपने दोस्त की बेरहमी से हत्या। पिछले 7 दिनों से लापता 32 वर्षीय युवक संदीप कुमार का शव छत विशत हालत में गन्ने के खेत में बरामद हुआ है। युवक पिछले 1 सप्ताह से लापता था और 2 नवंबर को इस मामले की गुमशुदगी मृतक के पिता मुनीश चंद्र वर्मा ने गोला कोतवाली में दर्ज कराई थी। SP विजय डुल ने बताया कि इस मामले में परिजनों की तरफ से 4 लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी गई। गन्ने के खेत में जो शव मिला है उसे देखकर सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि युवक को बुरी तरह से मारा गया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर रही दी गई है। इस मामले में नामजद 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक गोला कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था और उसका शव हैदराबाद थाना क्षेत्र के जड़ौदा के पास गन्ने के खेत में पाया गया है। वहीं जो पुलिस के द्वारा शव बरामद किया गया है, लेकिन अभी भी उस शव का एक पैर और दोनों हाथ अभी भी गायब हैं। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। मौके पर तनाव देखते हुए पुलिस भारी संख्या में PAC व फील्ड यूनिट व कई थानों की फोर्स के अभी भी गन्ने के खेतों में कर रही है गायब अंगों की तलाश। 2 नवंबर को थाना गोला पर संदीप वर्मा नाम के एक युवक के संबंध में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें उनके परिवारजन द्वारा बताया गया कि 1 नवंबर को संदीप कस्बा गोला से अपने पैतृक गाँव काजरकोरी गए थे और वहाँ से वापस नहीं लौटे हैं। विवेचना के क्रम में प्रकरण में धारा 364 की वृद्धि की गई और परिवारजन द्वारा 4 व्यक्तियों पर उनके पुत्र संदीप वर्मा की हत्या का शक जाहिर किया गया, जिसमें जडोरा गांव के राम कुमार वर्मा, जो कि संदीप वर्मा के बचपन के मित्र और सहपाठी भी रहे हैं, और काजरकोरी गांव के पवन वर्मा, रचित वर्मा और प्यारेलाल वर्मा, जो कि संदीप वर्मा के पड़ोसी हैं और इनके साथ इनकी पुरानी रंजिश है। 4 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया कि दिनांक 1 नवंबर को ही संदीप की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को गन्ने के खेत में गांव जड़ोरा के पास छुपा के रखा हुआ था। निशानदेही पर पुलिस के द्वारा संदीप वर्मा का शत विशत शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया। मृतक संदीप वर्मा का मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी अभियुक्तगण की निशानदेही पर पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। आला कत्ल भी पुलिस के द्वारा बरामद किया जा चुका है। थाना गोला पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या घटना हुई है भैया? घटना का 1 तारीख कहीं 12 बजे फोन हुआ हो और वो नंबर भैया के नंबर पर आओ तो भाभी कहीं कहीं से बात कर रहे हो तो कहीं तुमसे का मतलब हो और बात करी के इसे चले गए मकान के बाहर और बाहर चाहे राधे श्याम कोठी ले गए हों चाहे अपनी रोड पर ले गए हों तो भाभी निकस के नाई देखी थे कि फिर वापस हुई आए तो कपड़ा पहन के मोटरसाइकिल उठाई नहीं चल दें। जब चल दें फिर भाभी पूछी नहीं कहीं कहाँ के जा रहे हो? कहीं वह जा रहे हो वह आ रहे तो भाई पीछे नहीं पड़ी और 3 बजे तक काल करती रहे तो फोन पर जो है आती रहो बस अब है आई रहे संदीप जो है बताऊ रहे बस अब है आई रहे और वही के बाद जब संझा हुई गई 3 बजे के बाद फोन सोई चाप हुई वो फिर यहाँ घर का मिला इन फोन कहीं का यहाँ गांव पर आए हैं का लाही बाबा के यहाँ कहाँ रहें तो कहीं यहाँ घर तो ना ही आए हैं और फिर कहीं घर ना ही आए तो आखिर गए कहाँ कहीं हैं भैया। धीरे धीरे इसे हियाँ उस जानकारी हुई गई कहीं घर ना ही आए तो आखिर कहाँ कहीं गए फिर हम भाई 8-9 बजे गए बहतर रात कट गई 1 तारीख वाली 2 तारीख सरे हियाँ सरे सब गोलक भाजी गए और हुआ कार्रवाई करी ढूंढी ढाड़ी दहने बाएँ सब हरी रिश्तेदारी में पता लगाओ तेरे भाई उसे कभी गुस्साई के चले गए हों या कोई कुछ हो या पहली बार रुकत कहूँ रहे ना करे मेहमान के जा रहे तो मतलब आइडिया मतलब कोई पर कुछ सक कोई पर नहीं रहे कुछ हो आओ फोन नंबर जो जैसे बात भाई बहुत नंबर उन्हीं के पास जब सुई चाप जाए रहो तो मालूम कैसे हो कोई मतलब पुलिस वाले पता नहीं भाई रिस्क ली ही नहीं कि ना ही लेन भैया 7 दिन हुई गए रहें।